ज्यादा ज्यादा टेंशन हो रही है। लेकिन पंछी इधर है। अब इसका आने के लिए खाली उबर आता कौन जू बोले अरे रात को मैं तेरे घर आया था। आज 8 दिसंबर है। चश्मा है। अरे वाह 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 वाह। अब तीसरा और है सवाल।
कुछ भी बकम बनता है बाहर से ले यार तेरे को लोगों के मन में दिखता है लोगों के मन में क्या दिखता है बिल्कुल मुझे तो अंधेरा दिख रहा है लोगों के मन में गलत फहमियां है मेरे को लगता है बाहर से एक काम कर खोल दे आगे खड़ा हो जा हो गया तो चलो सबसे पहले हम लोगों के मन में जो गलत फहमियां है एक पर एक उसे हम दूर करते हैं नंबर दो विरोध विरोध
को यानी कॉन्डम का सही सही इस्तेमाल करें, कॉन्डम का सही सही इस्तेमाल करें। उपाय नंबर तीन, उपाय नंबर तीन, जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर उसको महसूस करें, हाँ महसूस करें। जैसे आम भाषा में एक से बात करनी ना समझ में आता, लोग समझता है इधर, बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट है लोग, बिल्कुल सब समझ में आ गया। पहला कारण समझ में आ गया, आ गया उसके वजह समझ में आ गए, आ गए उसके बचने के उपाय, उपाय भी आ गए। मैं दूसरा और तीसरा कारण समझाता हूँ। अरे उसका क्या, बहुत बकवास कर रहे हो तुम, कुछ करके दिखो, टाइम पास पब्लिक से खड़ी है, पब्लिक खड़ी है। हाँ तो सबसे पहले मैं बताता हूँ तीसरा कारण और तीसरा कारण, उसके बाद तेरे को सीधा जगह से लेके चलता हूँ। चलो चलो बताओ दूसरा कारण क्या। कंपाउंडर था, स्लीपर था, कोई भी था, अगर डॉक्टर सही हो तो डिस्पोजेबल सिलेंडर का इस्तेमाल करेगा, या फिर
चाचा हुआ खून की इस्तेमाल करे। बिल्कुल उस्ताद। आप मैं बताता हूँ चौथा आखिरी कारण। चौथा और आखिरी कारण। तो चौथा कारण ध्यान से सुन लो। चौथा कारण ध्यान से सुन लो। एक बार इस माता से बच्चे को होता है। एक बार इस माता से बच्चे को होता है। तो चौथा और आखिरी कारण है एक बार इस माता से उसके होने वाले बच्चे को एक होता है। अरे उसका तुम कैसे बात करते हो। कोई माँ अपने बच्चे को एड्स दे सकती है? माँ अपने बच्चे को एड्स नहीं देगी, लेकिन अगर समझो माँ को एड्स है, माँ को एड्स है तो बच्चे को एड्स हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना है केवल 1%। 1%? यस। अगर एक टक्का और अगर बच्चा 99% में यानी 99% आ गया तो बच्चा बच गया। यस। लेकिन उसने अपनी माँ को एक सावधानी बरती। वो अपने स्तन का दूध अपने बच्चे को ना पिलाए। ऐसा बात कर रहे हो उसका? माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, उसे दारू पिलाएगी। भैया दारू नहीं पिलाएगी, वो दूध ही पिलाएगी। गाय का दूध, भैंस का दूध। हाँ, गांव में दूध। अरे भैया गांव में दूध नहीं देते हैं, गांव में 3 टके जिसकी आदत है। अरे भैया दोनों बेटा। पहला कारण है अनैतिक, असुरक्षित, शारीरिक संबंध। दूसरा कारण है दूषित सुई। दूषित खून। और चौथा और आखिरी कारण है गर्भवती माता से उसके होने वाले बच्चे को एक वाली माता से उसके होने वाले बच्चे को एक हो सकता है। अच्छा, इन चार कारणों के अलावा दुनिया में कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है इससे एक हो सकता है। एक छुआछूत की बीमारी नहीं है, खास अवसर पर जैसे रोग नहीं है। अच्छा। लेकिन एक वजह है। क्या है वजह उसका? जिसके वजह से एड्स होने की संभावना 10 गुना। मतलब एड्स होने का खतरा 10 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। और होता है गुप्त रोग। गुप्त रोग किसी को भी हो सकता है, अय्यर को हो सकता है, हरणी को हो सकता है, धोखी को, सुधरी को, किसी को भी हो सकता है। तो बताओ उसका कैसे हो सकता है? फिर से हम एक सीन दिखाते हैं जिसके वजह से हमें क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ। रास्ते में तंबू बांबू गाड़कर
बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, ये ज्यादातर नकली होते हैं। किसने बताया कि मैं नकली हूँ? असली है। हाँ मैं असली हूँ। दिखा मेरा सर्टिफिकेट। सर पे टिकट। अरे सर पे टिकट नहीं, सर्टिफिकेट दिखा। अरे वो क्या होता है? कहाँ से सीखते हैं? ये सब हमारी कोई जरूरत नहीं है। हमारा व्यवसाय, हमारा ये बिजनेस बरसों से चले आ रहा है। मेरी उम्र तो 23 साल है। 50 साल से धंधा करते आ रहे हैं। 23 साल बाकी की उम्र का धंधा कर रहे थे मां के पेट में। नहीं नहीं, अरे डॉक्टर को बता दिया ऐसे। मैं डॉक्टर, झूठे डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? सरकारी अस्पताल में जाओ। एक काम करो, यहाँ से सीधा ऊपर जाओ, लेफ्ट मारो, नीचे ऊपर सीधा जाओ, लेफ्ट में जाओ। धन्यवाद। हाँ, सरकारी अस्पताल में 10 से लेकर 50 रुपए के बीच आपका इलाज बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। अच्छा, बस बड़ी वहाँ पे बड़ी बड़ी हाँ मैं सारे तेरे लाइन की पड़ी है कि तेरे लाइन की रोटरी क्लब ऑफ बदलापुर और नौजवान हिंद ने मिलकर आपको एड्स से बचने के लिए सही सही जानकारी दी है, क्योंकि जानकारी ही एड्स का उपाय है। जानकारी ही एड्स के ऊपर इलाज है। बिल्कुल, इस पर कोई दवा किसी बाबा की दुआ का असर होता नहीं है। अगर आपके पास सही जानकारी है तो आप एड्स से बच सकते हो। तो लोगों, आपने जो सुना वो अपने तक सीमित ना रखते हुए अपने दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, दोस्तों को बताइए, ताकि वो भी एड्स से बच सकते हैं। जो जो वीडियो निकाल रहे हैं उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो नाटक हमने अभी किया है उन लोगों तक पहुंचे। यहीं पे हमारा नाटक खत्म होता है। आपके मन में एड्स से लेकर कोई भी शक या सवाल हो, आपके परिचय में कोई एक बाधित हो, उनको बचाने के लिए आपको कोई मन में शंका है, तो आप हमसे आकर मिलिएगा। 10 मिनट के लिए यहाँ पे रुके हैं। किसी को भी निरोध का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं जानना हो, हमसे आकर संपर्क कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए यहाँ पे रुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद।